मित्र दुर्योधन, मैं पूछता हूं, मामा श्री को इतना आनंद दिखलाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा लग रहा था कि जैसे वे शुभ समाचार की सदा से ही बाट निहार रहे हों, कि युधिष्ठिर के राज्य से यज्ञ का समाचार सुनते ही वे नंगे पांव इंद्र के पास दौड़ जाएं। परंतु तुम ये पूछ किससे रहे हो? कंधार नरेश तो यहां है नहीं और मैं उनकी ओर से उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे तो सदैव से उनकी सोच टेढ़ी लगती है। मामा तो मामा, यहां तो पिताश्री का आनंद भी भरी हुई गागर से पानी की भांति छलका पड़ रहा था। उनका आनंद बनावटी नहीं था। तो क्या मामा श्री का आनंद बनावटी था? उनकी झोली में बनावट और हलाहल के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं मित्र। ये गेय कविता किसके लिए है अंगराज? यदि जीना चाहते हो तो बनावट सीखो अंगराज कर्ण, बनावट। जरासंध वध के उपरांत सारा भारत वर्ष पांडवों से भयभीत है, परंतु ये कभी नहीं भूला जाना चाहिए कि शकुनी के टूर्नीर में अभी भी बहुत सारे अचूक मान है, और तुम भांजे दुर्योधन, तुम यदि तुम्हें इतनी भी समझ नहीं तो अपनों से बड़ों की समझ से लाभ उठाओ लाभ। यदि पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ कर लिया और तुम यहां मुंह लटकाए बैठे रहे तो सारा देश ये कहेगा कि दुर्योधन का हृदय बहुत छोटा है, और वैसे भी उन्होंने खांडप्रस्थ को स्वर्ग बनाकर सारे जन समुदाय का हृदय जीत लिया है, तो क्या तुम चाहते हो कि वो हस्तिनापुर को भी जीत लें? मामा श्री, हस्तिनापुर कोई खीर की थाली नहीं है मामा श्री, कि वे आएंगे और चट जाएंगे। काव्य और राजनीति में यही अंतर है अंगराज, यही अंतर है। राजनीति में उपमाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। मैं तो कहता हूं कि तुम्हें यदि ये दोष ना होता अंगराज कर्ण, तो तुम बड़े उपयोगी व्यक्ति होते। तुम बोलते बहुत अधिक हो परंतु सुनते कुछ नहीं। बिल्ली की तरह अपने प्रतल को छिपाए रखना सीखो अंगराज कर्ण, और मेरे विचार में यदि तुम्हें वहां आमंत्रित किया गया है तो तुम्हें वहां अवश्य चलना चाहिए, और यदि तुम्हारी गांठ में मुस्कान नहीं है कर्ण तो मुझसे ले जाओ। और जीवन का ये नियम सदा याद रखो कि जलो अवश्य, परंतु जिससे जलो उससे अपनी जलन का आभास बिल्कुल ना होने दो। यही शकुनी नीति है, और ये नीति यदि तुम अपनाओगे तो रातों को चैन से सो सकोगे।